तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप फंडिंग और एक्विजिशन न्यूज़ के बारे में बताऊंगा। इस हफ्ते काफ़ी बड़ी बड़ी न्यूज़ आई है, तो वीडियो को आखिरी तक देखना। और ये इस साल की आखिरी स्टार्टअप फंडिंग न्यूज़ होगी। अगली स्टार्टअप फंडिंग न्यूज़ तो अगले हफ्ते बनाऊंगा, जो अगले साल ही होगा। तो आप जल्दी से शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ जो है वो ई कॉमर्स कंपनीज़ के लिए काफ़ी बुरी न्यूज़ है। तो ई कॉमर्स कंपनीज़ जो एक मार्केट प्लेस मॉडल फॉलो करते हैं, जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, उन पे अब सरकार कई रेस्ट्रिक्शंस लगाने वाली है। उन्होंने उनके लिए कई नए रूल्स बनाए हैं। पहला रूल ये है कि ये जो ई कॉमर्स कंपनीज़ जो सामान बेचते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, वो उस कंपनी का सामान नहीं बेच सकते जिनमें उन्होंने खुद ही इन्वेस्ट किया हो। और इससे अमेज़ॉन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है, क्योंकि क्लाउडटेल और एपेरियो जो कई हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के सामान बेचते हैं इंडिया में, उनमें अमेज़ॉन ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। दूसरा जो रेस्ट्रिक्शन लगा है कि यार ये ई कॉमर्स कंपनीज अपने हिसाब से कितना भी डिस्काउंट नहीं लगा सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि यार जब सेल होता है, ई कॉमर्स कंपनीज बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट्स देती हैं, तो इस पर भी आप गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। और तीसरा ये है कि यार ये जो ई कॉमर्स कंपनीज दूसरे कंपनीज के साथ एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट नहीं साइन कर सकते हैं। अभी आप देखते होंगे कि यार कई मोबाइल्स एक स्पेसिफिक साइट में एक्सक्लूसिवली मिलते हैं। तो अगर आपको वन प्लस का मोबाइल ख़रीदना है तो आपको अमेज़ॉन से ही ख़रीदना पड़ता है। कोई और कंपनी होगी जो सिर्फ फ्लिपकार्ट में ही अपना फ़ोन बेचती होगी, तो ये एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट्स अब ये ई कॉमर्स कंपनी साइन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप देखोगे ई कॉमर्स का जो टोटल सेल होता है, उसमें 50% से भी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन ही बिकते हैं। तो इससे ई कॉमर्स कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। पर इससे दुकानदार काफ़ी खुश हुए हैं, क्योंकि यार जब से ये ई कॉमर्स कंपनीज़ आई हैं और इतने ज़्यादा डिस्काउंट्स देने लग गए, उनके दुकानों में लोग कम आते हैं, तो इसलिए उनके लिए तो फ़ायदा है ही। तो अब देखना पड़ेगा कि यार ये ई कॉमर्स कंपनीज क्या करती हैं। अभी उनके पास फरवरी तक टाइम है ये रूल फॉलो करने के लिए। तो अभी तो मेरे ख्याल से ये डिस्कशन करेंगे गवर्नमेंट के साथ, ताकि ऐसे रूल्स बने जो ये ई कॉमर्स कंपनीज फॉलो कर पाएँ। दूसरा ऑप्शन जो कि काफ़ी बुरा होगा इन ई कॉमर्स कंपनीज़ के लिए, वो है कि ये कि उनको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पर वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यार ये ई कॉमर्स कंपनीज़ अपने खुद के ब्रांड्स काफ़ी ज़्यादा बेचते हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और अगर ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ओवरऑल कंपनी तभी प्रॉफिटेबल बन पाएगी। तीसरा है कि वो लॉ को तो मानेंगे, पर नया रास्ता ढूंढ लेंगे। ये उन्होंने पिछली बार भी किया था। तो पिछली बार गवर्नमेंट ने रूल बनाया था कि यार ये जो ई कॉमर्स कंपनी है, इन पे कोई भी सेलर जो अपना सामान बेचता है, तो ये जो ई कॉमर्स कंपनी जो टोटल सामान बेचती है, उसका 25% से ज़्यादा एक कंपनी नहीं बेचना अलाउड है। तो इसके बाद इन ई कॉमर्स कंपनीज जिन्होंने इन सेलर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरे सेलर्स को बोला कि भाई तुम इन बड़े सेलर से सामान खरीदो और फिर आप सामान हमारी वेबसाइट पे बेचो। या फिर ये जो बड़े सेलर्स थे, उन्होंने क्या किया, अपनी छोटी छोटी अलग अलग कंपनियां बना ली और फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग कंपनी के नाम पे इनके वेबसाइट्स पे बेचने लगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट को ये नए नए रूल्स निकालने पड़े हैं। तो अब इन रूल्स को तो बाईपास करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो देखते हैं कि यार ये ई कॉमर्स कंपनीज अब इसका क्या सोल्यूशन निकालते हैं। दूसरी न्यूज़ ये है कि जो नेशनल फूड रेगुलेटर है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने नए गाइडलाइंस निकाले हैं फूड टेक कंपनीज जैसे जोमैटो, स्विगी, ऊबर ईट्स, फूड पांडा, और जो ग्रॉसरी डिलीवरी स्टार्टअप्स हैं जैसे अमेज़ॉन पैंट्री हो गया, ग्रोफर्स, बिग बास्केट्स, इनके लिए। और इन गाइडलाइंस में बोला गया है कि ये जो खाना डिलीवर होता है, उसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ अलाउड नहीं है। तो इसमें उन्होंने कई चीज़ें बताई है, जैसे कि अब जो ये जो फूड डिलीवर होता है, उसकी चेकिंग उनके सप्लाई चेन पे कहीं पर भी हो सकती है। तो ये कंपनीज ऐसा नहीं बोल सकते कि यार खाना रेस्टोरेंट से तो निकल चुका था, बाहर बहुत धूप थी इसलिए खाना ख़राब हो गया, ये कोई एक्सेप्टेबल रीज़न नहीं है। दूसरा कि ये जब ऐप या वेबसाइट से जब ये चीज़ें ऑर्डर करी जाती हैं, तो उन पे जो फ़ोटोज़ और जो डिस्क्रिप्शन लगी होती है, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आपने डिस्क्रिप्शन में बहुत ही सुंदर सा डिश बनाया हो, लिखा होगा कि यार ये चिकन डिश है, पर जब आप डिलीवरी कर रहे हो, उसमें आपने सोया मिलाकर भी खाना डिलीवर कर दिया है, ये अब अलाउड नहीं होगा। तो जो आप डिलीवर कर रहे हो, उसी की फ़ोटो होनी चाहिए और पूरा इन्फॉर्मेशन दिया होना चाहिए। तीसरा कि जब आप कोई ग्रॉसरी या जो खाना डिलीवर कर रहे हो, जब वो कस्टमर को मिलेगा, तब उसकी शेल्फ लाइफ एटलीस्ट 30% बची होनी चाहिए या 45 days होनी चाहिए। तो इसका एग्जैक्टली जो मतलब ये है कि अगर एक खाने का शेल्फ लाइफ 6 घंटा है, आप डिलीवर करते हो 5 घंटे बाद और बोलते हो कि भाई 1 घंटे में खाना ख़त्म करना है, ये अलाउड नहीं है। तो 30% शेल्फ लाइफ खाने की बची होनी चाहिए जब वो कस्टमर को
खाना मिलता है। तो ये रूल्स काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी अच्छी बात है, स्पेशली अगर आपने मेरी 2 हफ्ते पहले वीडियो देखी हो जिसमें मैंने आपको बताया था कि यार जो जोमेटो की जो डिलीवरी बॉय है उसकी जो वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो खाना खाता है और उसको पैक करके वापस डाल देता है। तो इस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि यार क्या पता हमारा खाना भी ऐसा डिलीवर होता है। तो इससे फूड रेगुलेटर ने बोला है कि यार आपको सारे रूल्स फॉलो करने ताकि कस्टमर्स का भरोसा बना रहे, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है कस्टमर्स के लिए। तीसरी न्यूज़ ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये सब खुद को रेगुलेट करना शुरू कर सकते हैं। कुछ महीनों पहले खबर आई थी कि अरे इंडियन गवर्नमेंट सोच रही है कि जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है इन पर भी सेंसरशिप होनी चाहिए। तो अभी रिपोर्ट्स आई है कि यार ये जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जैसे आपका नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, रिलायंस जियो हो गया, और भी जो नए नए अभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जैसे Z5, टाइम्स इंटरनेट, ऑल्ट बालाजी, ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम खुद को ही सेल्फ रेगुलेट करना शुरू करें ताकि गवर्नमेंट को ऐसा रूल्स बनाना ही ना पड़े। तो इसमें जो चीज़ें जिस पे केस हो सकता है जैसे कि यार आप नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करना, नेशनल एम्ब्लेम को डिसरिस्पेक्ट करना, ऐसे स्टेटमेंट्स देना जिससे कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो, टेररिज्म और वायलेंस अगेंस्ट कंट्री या स्टेट दिखाना, ये सब चीज़ें क्यों ना हम खुद से ही ना दिखाएं जिससे कि गवर्नमेंट को सेंसरशिप लगानी ना पड़े। तो ऐसा ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सोच रही हैं। पर जो दूसरे कुछ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजॉन प्राइम वीडियो हो गया, इनका मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी जगह है जिसमें आप कुछ भी दिखा सकते हो, आपकी पूरी क्रिएटिव फ्रीडम होती है। तो अगर आप खुद को सेल्फ रेगुलेट करना शुरू कर दोगे तो ये फ्रीडम नहीं रहेगी और आप खुद को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तो अभी ये कुछ अभी रूल्स डिसाइड नहीं हुए हैं, अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो अभी इस पे काम चल रहा है कि देखते हैं कि यार कितने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स खुद से अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करते हैं या कोई भी रेगुलेट नहीं करता और सरकार को आके ही खुद से सेंसरशिप करनी पड़ती है। तो ये सब तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या ऑनलाइन जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है इन पर सेंसरशिप होनी चाहिए कि नहीं, ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो जो पहली फंडिंग न्यूज़ है वो ये है कि दिल्ली बेस्ड ऑनलाइन फैशन स्टोर हाई स्ट्रीट एसेंशियल्स जिनके कई ब्रांड्स हैं जैसे फैब एली, इंडिया, उन्होंने अपने सीरीज बी राउंड में $8.54 मिलियन यानी करीब 60 करोड़ रुपए रेस किए हैं सैफ पार्टनर्स से। तो ये जो कंपनी है इनके कई ब्रांड्स जैसे फैब एली जो ये ऑनलाइन भी बेचते हैं और ऑफलाइन स्टोर्स जैसे सेंट्रल, ग्लोबस यहाँ पर भी बेचते हैं। वैसे उन्होंने 2016 में अपना एथनिक ब्रांड इंडिया भी शुरू किया था, वो भी वो ऑनलाइन और ऑफलाइन बेचते हैं। तो अभी जो फंडिंग मिली है इससे वो अपना ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाएंगे और नए ब्रांड्स खोलेंगे और अपनी टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव करेंगे। और अच्छी बात तो ये भी है कि 2018 में ये प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। दूसरी न्यूज़ ये है कि बैंगलोर बेस्ड ऑनलाइन इंटीरियर डिज़ाइन प्लेटफॉर्म डिज़ाइन कैफे ने $28.5 मिलियन यानी करीब 200 करोड़ रुपए रेज किए हैं वेस्टब्रिज कैपिटल और फायरसाइड वेंचर्स से। तो डिज़ाइन कैफ़े की शुरुआत 2011 में हुई थी और इस फंडिंग से वो नए सिटीज़ में अब एक्सपैंड करेंगे। तो इसमें वो क्या करते हैं, बेसिकली आपके घर के इंटीरियर्स को डिज़ाइन करने में मदद करते हैं। तो आप उनके पास जाते हो, आपको कैसा डिज़ाइन चाहिए वो आप उनको एक्सप्लेन करते हो और आप अपना बजट बताते हो, फिर आपके बजट के हिसाब से वो डिज़ाइन करते हैं, उसका एक 3D मॉडल बना के आपको दिखाते हैं, फिर अगर आपको पसंद आया फिर वो चीज़ें ऑर्डर करते हैं, पूरा इंस्टॉलेशन करते हैं और उसके बाद मेंटेनेंस और वारंटी भी देते हैं। तीसरी न्यूज़ ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप ट्रांसमियो ने अनडिस्क्लोज्ड फंडिंग उठाई है अपने प्री सीड फंडिंग राउंड में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से अपने AI पावर्ड प्रोडक्ट टी कनेक्ट वन व्यू के लिए। तो ये ट्रांसमियो की शुरुआत 2017 में हुई थी और जो इनका टी कनेक्ट वन व्यू है इससे वो बड़े मशीन्स में लगाते हैं और उससे वो डेटा को मॉनिटर करता है और फिर मशीन लर्निंग यूज़ करके प्रेडिक्ट करता है कि यार ये मशीन ख़राब होने वाली है या नहीं। तो अभी क्या होता है कि यार जो HPCL के पाइपलाइंस है उसका एक फिक्स टाइम के बाद चेकिंग होता है देखने के लिए कि यार सब सही चल रहा है कि नहीं, पर उससे आप सही से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यार क्या पता ये पाइपलाइंस अभी ख़राब होने वाले हैं या इससे अब काम नहीं हो पाएगा। तो ये जो इनका टी कनेक्ट वन व्यू है इससे वो पहले से ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि यार ये पाइपलाइन ख़राब होने वाली है, तो उनको रेगुलरली चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप डेटा उनके पास आता रहेगा।
इससे HPCL का कॉस्ट भी बचेगा और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो यार ये बहुत अच्छी बात है कि यार इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का कॉस्ट तो बचेगा ही और प्रॉफिट इंक्रीज होगा ही, इन स्टार्टअप्स को भी काफ़ी बड़े ऑर्डर मिलेंगे और इससे ये स्टार्टअप्स भी काफ़ी जल्दी ग्रो करेंगे। तो अब बढ़ते हैं एक्विजिशन न्यूज़ की ओर। तो UK बेस्ड ग्लोबल थ्रेड मैन्युफैक्चरर कोर्ट्स ने सिंगापुर हेडक्वार्टर्ड थ्रेडसोल, जो कि क्लाउड बेस्ड डिजिटल एप्लीकेशंस बनाता है, उनको $12 मिलियन यानी करीब 85 करोड़ रुपीज़ में खरीद लिया है। तो थ्रेडसोल, जिनकी शुरुआत 2012 में दिल्ली में हुई थी, वो बेसिकली अपना एल्गोरिथम यूज़ करके ऐसे फैब्रिक्स डिज़ाइन करते हैं जिसमें फैब्रिक्स की वेस्टेज बहुत कम हो, जिससे कि कॉस्ट्स काफ़ी बचता है। तो अभी वो कोर्ट्स के साथ मिलके अपैरल और फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए भी ऐसे ही सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप फंडिंग और एक्विजिशन न्यूज़। आई होप आपने इससे कुछ सीखा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और नीचे कमेंट करो कि वीडियो कैसी लगी। इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर लेना, और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे DM कर देना और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आने ही वाला है। घंटे को भी याद से दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। कमेंट्स में ये भी बताओ कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हो। आगे हम ऐसे ही बिजनेस, मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप जगत की बातें करेंगे। तो जल्द ही मिलते एक नई और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।